सुमनी जी जो जिन्होंने गजल उसके बाद खूबसूरत गीत आपकी समातों के हवाले किया, मैं आपको कोई वक्त नहीं लेना चाहता। नदी का शोर नहीं है ये आबशार का है, नदी का शोर नहीं है ये आबशार का है, यहाँ से जो भी सफ़र है वो अमृतार का है, तमाम जिस्म को आंखें बना के राह तको, तमाम खेल मोहब्बत में इंतजार का है। दोस्तों आइए हिंदुस्तान का खूबसूरत लहजा जिसे डबल सुधांशु के नाम से जानना पहचाना जाता है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। मेरे नौजवान दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा बड़े लोग, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, मिर्जापुर की भूमि को प्रणाम करता हूँ, हिंदी कविता की ओर से डबल सुधांशु का प्रणाम स्वीकार करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं, मैं शुरू करता हूँ। वो एक अभी प्रेमिका तांडव कर रहे थे, प्रशांत देव कहा गया, वो जटा कवि गलत जलम प्रवाह पा तब फले गले में लंबे लंबे ताम भुजंग तुंड मालिक, कहा गए भाई साहब आ जाओ डॉक्टर साहब, आज तो बड़ा पाप लगेगा मेरे जैसे निरीह प्राणी को सुना नहीं तुमने, भगवान के समय सब कहता हूँ सुप्रिया गा के गई अभी, क्या फनकार है जादूगर होता ना, जादूगर नहीं है मंचों की, लेकिन पता नहीं क्यों कम पढ़ा। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, रिश्ते मुख तक ताजा ताजा आपको देता हूँ और पूरे उत्साह के साथ मन से सुनना और कवि सम्मेलन की शुरुआत करना है। शुरू कर सारी नफरत व तफर के मिटाने आए एक बार बजा दीजिए ताली रखते सारी नफरत व तफर के मिटाने बात है ये पते की तो बताने बात है ये पते की तो बताने आए हैं, रूठ कर बैठे हो तुम ऐसे हामिद की तरह, रूठ कर बैठे हो तुम ऐसे हामिद की तरह, रूठ कर बैठे हो तुम ऐसे हामिद की तरह, जैसे हम राम का मंदिर बनाने आए जैसे हम गलत ढंग से पढ़ी मैं कई बार सुप्रिया जो पढ़ रही थी तो बड़ा मैं कई बार मंच के माला में ना निकल उठा, लेकिन मैंने सोच लिया कि भारत की बेटी है जैसा उन्होंने बताया, मैं उन्हें पूरी तरह से लिखना जब तीर्थ तो तुम चारों खानों लिख देना, मेरे हिस्से में भी छोटा सा काम लिख देना। मुझे शेर याद आ रहा है, मैं बस कसम खा के कहता हूँ एक छोटी सी बात है, जब पुल बनाया जाकर निर्माण हो रहा था उस समय भगवान श्री रामचंद्र जब मर्यादा पुरुषोत्तम बड़ा काम कर रहे थे, उस समय गिलहरी जो है लोट करके जाती और पानी में घुल करके आती फिर लौटती फिर चली जाती, तो भगवान राम ने उसे बुलाया और कहा एक बात बताओ गिलहरी रानी कि तुम जाती हो आती हो और दो चार कण लेकर के मेरी इस मंच पर डाल दे तो उससे क्या फायदा होने वाला है। तो गिलहरी ने जवाब दिया जरा सुनना मिर्जापुर के जो लोगों बचे बचे और मुझे आशीर्वाद दिया, उस गिलहरी ने इतना कहा कि हे राम जब जब युग बदलेंगे परिवर्तन होगा द्वापर होगा कलयुग होगा फिर से जब द्वापर होगा सब युग परिवर्तन होते जाएंगे और उनमें कहीं कथा लिखी जाएगी और उनमें एक बड़े बड़े पत्थर ढोने वालों का नाम होगा कि माता सीता को ले जाने के लिए जितने लोगों ने काम किया उनमें से छोटा सा नाम मेरा भी भले दो कणों का योगदान दिया, लेकिन इसके लिए तब तक मैं सुना लिखना जब तीर्थ तो तुम चारों धाम लिख देना, मेरे हिस्से में भी छोटा सा काम लिख देना, मेरा दावा है कि मैं भी तैर जाऊंगा, मेरा दावा है कि मैं भी तैर जाऊंगा, मेरा दावा है कि मैं भी तैर जाऊंगा, एक ना पानी में तो मुझ पे राम लिख देना, एक ना पानी में तो मुझ पे राम लिख देना, एक ना पानी में तो
अविनाश को देख करके मुझे लगता है कि वीरस का कमी होगा, लेकिन ये मोहब्बत करते हैं भाई, बहुत बड़ी बात है। हम लोग लगते भी हैं, करते भी हैं। खैर, मैं एक और पुस्तक सुनाता हूँ, मेरी पहचान का पुस्तक है, मैं उसे वहां से शुरुआत करूंगा। मोहब्बत का मुसाफिर हूँ, जहाँ धड़कन मेरा घर है। मोहब्बत का मुसाफिर हूँ, जहाँ धड़कन मेरा घर है। कोई बैठा इन आँखों में तो ये एहसान हम पर है। कोई बैठा इन आँखों में तो ये एहसान हम पर है। सवाने की अदाओं में बहुत कुछ भूल बैठा, पर नदी को खुद में भर लेना नहीं भूला। मैं तो जिस भेड़ चढ़ना था चढ़ चुका हूँ। आप लोगों को सीधे में बिना भूमिका की तरह काव्य पाठ 45-50 मिनट का होता है, मैं सत्य स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं 60 मिनट निपटाता हूँ और दिवंगत होता हूँ यहाँ से। अच्छा, तो सुनिएगा एक वक्त का, सुनिएगा। तुम्हारी शाम महफिल में हमेशा मुस्कुराती है। नौजवान दोस्तों सुनना, कि तुम्हारी शाम महफिल में हमेशा मुस्कुराती है। हमारी शाम तो तन्हाइयों में बीत जाती है। हमारी शाम तो तन्हाइयों में बीत जाती है। तुम्हें क्यों नींद आती है? हमारे गीत सुनकर तुम्हें क्यों नींद आती है? तो खर्च हो रहा हूँ बढ़िया। मुझे उम्मीद है एक बार जरा आगे से पीछे तक जिंदा होने का सबूत होगा। शरारत हो गई कैसे, न तुम जानो शरारत हो गई कैसे, न तुम जानो न हम जाने। और शिकायत हो गई कैसे, न तुम जानो न हम जाने। शिकायत हो गई कैसे, न तुम जानो न हम जाने। तुम्हारी उम्र जितनी है हमारी उम्र उतनी है। किसी की लड़की को बड़ा मासूम था जवाब देना जब पूछे कुछ, कि तुम्हारी उम्र जितनी है हमारी उम्र उतनी है। और मोहब्बत हो गई कैसे, न तुम मोहब्बत हो गई कैसे, न तुम जानो न हम जाने। एक और वक्त सुनिए इसी से, कि लगी थी दिल लगी ऐसी भला ये पास जाती। आप अपनी लंबी यात्रा पे आए, मैं आपको ये वक्त सुपर्द करता हूँ। कि लगी थी दिल, मैं आपका कांडो सुन रहा हूँ। लगी थी दिल लगी ऐसी भला ये बाज क्या आती। और पुकारा ही नहीं तुमने तो फिर आवाज क्या आती। पुकारा ही नहीं तुमने तो फिर आवाज क्या आती। बुलाया शह जहाने रोज उसको था तड़प करके। बुलाया शह जहाने रोज उसको था तड़प करके। और पड़ी थी दर्द में बेसुध फला मुमताज क्या आती। पड़ी थी दर्द में बेसुध भला, अब ये दुआ है ज्यादा हो रही। पड़ी पड़ी थी दर्द
काब्र में बेसुध भला मुमताज जाति। अरे पुस्तक करो सुनाता हूँ जो पाकिस्तान से बाहर निकलेगा, मैं समझा और आप समझ जाएंगे मैं किसको कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री किसी और को भी बनाया जा सकता था, नवाज शरीफ के खानदान में कोई लड़के ही नहीं थे। मैं वहां का पुस्तक भेजता हूँ, अगर बात पहुंच जाए तो मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। सुनिए नौजवान दोस्तों मेरे, जितनी देर मैं हूँ उतनी देर सुन लो, उसके बाद मैं भी बात समझ। सुनो कि प्रणय की चांदनी से हम मधुर आभास ले लेंगे। हिंदी का मुक्तक है लेकिन वहां से आप, मैं निश्चित करता हूँ जब आप पद भी सुनेंगे तो आप निश्चित उठ लेंगे कि प्रणय की चांदनी से हम मधुर आभास ले लेंगे। किया है प्रण अभी हमने कि हम उपवास ले लेंगे। किया है प्रण अभी हमने कि हम उपवास ले लेंगे। तेरी अलकों से पलकों तक हमारे होंठ छूने दो। तेरी अलकों से पलकों तक हमारे होंठ छूने दो। और तुम्हें बस छूम कर जी भर सुबह संन्यास ले लेंगे। तुम्हें बस छूम कर जी भर सुबह संन्यास ले लेंगे। ये सावन कर रहा है मौसमी आसार की बातें। ये सावन कर रहा है मौसमी आसार की बातें। चलो ऐसे में हम कर लें किसी इतवार की बातें। चलो ऐसे में हम कर लें किसी इतवार की बातें। तुम्हारे मन में घूमती दिन भर उसी अखबार की बातें। मन में घूमती दिन भर उसी अखबार की बातें। मन में घूमती दिन भर उसी अखबार की। बहुत लंबी यात्रा कर गया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने लोग मिल जाएंगे। मेरी कुंडली में आप लोग बैठे हुए, इतने लोग बैठे होते नहीं मिलते ही, क्योंकि पता नहीं क्या होता है वो आखिरी में पढ़ो। मैं तो सुप्रिया शबनम से कह रहा था तुम आखिरी में पढ़ो, हमको पढ़ ले दो। यही दशा होती है कश्मीर के बाद हम लोगों के पढ़ने की। हम लोगों में क्या होता है कि हमारे चेहरे में क्या मतलब तुम आदमी नहीं लगती, जैसे वो पढ़ने आए तुरंत मोबाइल के कैमरे ऑन हो गए। हम लोग क्या नहीं यार, हमारा भी फोटो खींचो, हम भी अब आए जाते हैं इसी चिड़िया में। एक बात जरा बोलना, तालियां हो जाती है कि हमारी हर लिखावट पर किताबी संग भर देना। हमारी हर लिखावट पर किताबी संग भर देना। और कदम कर कड़ाए तो शराबी ढंग भर देना। कदम कर कड़ाए तो शराबी ढंग भर देना। अपने सुर्ख होठों का गुलाबी रंग भर देना। तुम अपने सुर्ख होठों का गुलाबी रंग भर देना। ये गीत सुनाता हूँ, उसके बाद बहुत सारी लंबी खरीद सकते होगी। मैं गीत सुनाता हूँ, मैं इसका माइक सही करते हैं, सेट करते रहना। जब गीत का रिदम देखना वैसे सेट करना। मान सरोवर तट पर मंदिर एक सजाया है। बहुत अच्छा मिस्का, मान सरोवर तट पर मैंने मंदिर
मंदिर का आकर देखो मंदिर का तुमको भगवान बना ओ नयन 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 ओ नयन
ये बदन किस लिए सूखा है तुम्हें क्या मालूम,